अस्सलाम वालेकुम ज़ारीन, आज है हमारा डे 4 और पैर में थोड़ी सी चोट वोट आ चुकी है और इस समय हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं सफ़रे इश्क के लिए। अपनी मशी स्टार्ट कर रहे हैं इस समय, तो अभी बस हम लोग बैग वैग पैक करके आए। सुबह हम लोग को 5 बजे निकल जाना था फजर के बाद, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, 6 बज गए निकलते निकलते, हो रहा है 6:15 हो गया है और अभी 15-20 मिनट और लग जाएगा निकलते निकलते। तो इंशाल्लाह हम लोग ये जो अपनी मशी है यहाँ से नजफ से करबला की जो वॉक है, नजफ टू करबला वॉक, ये टोटल है 110 किलोमीटर्स की अराउंड वॉक है। और अभी यहाँ से नजफ से हम लोग को जो फर्स्ट पोल तक पहुँचने के लिए 182 पोल्स लगेंगे, जो 3-4 घंटा लग जाएगा, 4-5 घंटा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। और फिर वहाँ से वहाँ के फर्स्ट पोल से लेके करबला के लास्ट पोल जो है 1452 पोल है, 1452 पोल है, वहाँ तक पहुँचने के लिए लग जाएंगे 3 दिन लग जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग ये सफ़र अब शुरू कर रहे हैं यहाँ से और बहुत ही आराम से गुजरे ये सफ़र, ज़ायरीन की खिदमत करते हुए गुजरे ये सफ़र, यही हम लोग की दुआ है। लोग इस ब्रिज से आखिरी बार अभी निकल रहे हैं सलाम फेरते हुए, मौला को सलाम करते हुए। तो ये रहा हम लोग का इतना पूरा काफिला है, इतने लोग हैं, अभी पीछे दो और आ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग ने सफ़रे इश्क की शुरुआत कर ली है, नजफ टू करबला वॉक। हम लोग वादे सलाम के रास्ते से निकल रहे हैं, सीधे यहाँ से जाएंगे वादे सलाम, कम से कम पार करने में भी हम लोग को 1-1.5 घंटा लग जाएगा। ऑलमोस्ट हम लोग को 1.5 घंटा हो गया चलते हुए, अभी भी हम लोग पहले पोल पे नहीं पहुँचे हैं। टोटल नजफ से पहले फर्स्ट पोल तक 182 पोल हैं, 182 पोल्स हैं और हर पोल के बीच में 50 मीटर्स का गैप है, तो वही 20 पोल आपका 1 किलोमीटर हो गया, सही ना? 20 पोल मिला के 1 किलोमीटर, तो आप कैलकुलेट कर लेना। और अभी 1.5 घंटा हुआ चलते हो, अभी 1.5 घंटा और लगेगा, हम लोग का जो एस्टिमेटेड है कि टाइम 1.5 घंटा लग जाएगा अभी और पहुँचते पहुँचते फर्स्ट पोल तक। और कुछ नहीं, अभी ना पैरों में दर्द हो रही है ना कुछ हो रही, और आप देख सकते हैं हर जगह हाँ, अभी तो कहीं हम लोग ने नाश्ता भी नहीं किया है, चाय वाय भी नहीं की अभी। ये सफ़र है, इसकी बात है, इसके अंदर राइड की बात है, खिदमत हो रही है, दुनिया की शय खाने को आपको मिलती है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं, तो वो अपने अपने टाइप का खाना यहाँ पे करते हैं। ऑलमोस्ट 3.25 घंटा हो चुका है चलते हुए, 2:45, जिसमें से 20-25 मिनट हम लोग ने अभी ब्रेक लिया था, और अभी भी उम्मीद है कि 1.25 घंटे में रॉकी पहुँच जाएंगे भाई। क्यों पहुँच जाएंगे? होता क्या है कि जब पोल दिख जाता है पहला पोल, तो फिर आपको हाँ वहाँ से पूरा माइंड मेकअप होता है कि आपको 1452 पोल तक जाना है। अभी क्योंकि जब पहला पोल नहीं दिखता है तो होता है कि जल्दी से पहला पोल दिखे, तो इंशाल्लाह जल्दी से हम लोग पहुँचते हैं पहले पोल पे। और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए सब इतना ओढ़ रखा है, बाकी इतना यहाँ की गर्मी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ह्यूमिडिटी नहीं है, धूप है, धूप बहुत तेज़ है, गर्मी आपको लगेगी लेकिन वो ह्यूमिडिटी होती जो अंदर से आपका पानी निचोड़ लेती, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आपको पोल नंबर 1 पे पहुँच के आपसे मुलाकात करते हैं। फाइनली इतनी देर से जिस जगह पहुँचने के लिए हम लोग चल रहे थे फर्स्ट पोल नंबर पे, वो अब जाके आया है ऑलमोस्ट 3.25 घंटे के बाद, 3.25 घंटे बाद हम लोग पहुँचे हैं। और अभी तो थोड़ी सी दूर है, 5 मिनट की दूरी पे है, सोचो इतना चलना पड़ता है सिर्फ नजर से पहले पोल के लिए। और अभी यहाँ से 1452 पोल अब चलने हैं हम लोग को, 3 दिन लगेगा। नजफ सिटी की एग्जिट है, अब यहाँ से नजफ को करबला हाईवे स्टार्ट होता है, अब बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं आपको मुड़ना नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट है ये। वो रहा पोल नंबर 1, ये रहा पोल नंबर 2, ये रहा माशाल्लाह से कितना खूबसूरत परचम है ये। और यहाँ से मशी चल रही है, सब लोग कर रहे हैं मशी, देखिए कितना मजमा है ये।
असली मजमा तो अब शुरू हुआ है। अभी देख रहे हैं माशाल्लाह से, जैसे आप मशी अली रोड पे, तो कितनी सबीले आपको दिख रही है यहाँ पे, सब मौला हुसैन के लिए, मौला मौला अब्बास के लिए। देखिए और ये देखिए यहाँ पे खिदमत करी जा रही है ज़ायरीन की मसाज करके। पूरे मेडिसिन भी हैं इनके पास। अभी हम लोग पोल नंबर 13 के सामने थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए रुके हैं और अब हम मोबाइल से हटके अब हम आ रहे हैं। हम अपने आकाश भाई से गोप्रो लेके आए थे मशी के दौरान की वीडियो के लिए, तो ये अपना गोप्रो, तो इससे हटके इस पे आते हैं। तो अब डायरेक्ट देखिए इसकी वीडियो। तो अब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, जितनी भी रिकॉर्डिंग करेंगे सब गोप्रो से करेंगे, जब तक स्पेस रहेगी गोप्रो के अंदर तब तक। और अब हम लोग यहाँ से 13 से निकल के इंशाल्लाह 100-150 मौके पे स्टे लेंगे, क्योंकि ज़्यादा स्टे लेना थकान ज़्यादा हो जाएगी, स्टे लेने से थकान ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए स्टे कम लेंगे हम लोग। भाई की फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा तक का? सुपर डुपर है माशाल्लाह, वेरी गुड, इंशाल्लाह। तो हम लोग ने मशी वापस स्टार्ट कर दी, पोल नंबर 15 पे हम लोग। और ये मजमा के मजमा देखिए आप, खिदमत देखिए लोग कैसे खिदमत करते हैं। पोल पे हम लोग रुके हैं, सामने पाकिस्तानी मौका था तो यहाँ पे रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है अभी तक हम लोग ने, और खाना बहुत जल्दी खाएंगे नहीं तो चल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मौका पे ऊपर जा रहे हैं, दस्तरखान ऊपर लगा हुआ है। ये देखिए जब आप नजफ आते हैं, जब आप मशी पे आते हैं, करबला आते हैं, ना यहाँ पे कोई हिंदुस्तानी होता है ना पाकिस्तानी होता है, सिर्फ यहाँ पे ज़ायरीन हुसैन होते हैं। खिदमत यहाँ पे आप आ जाइए और आपको कोई भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से हैं क्या है, सिर्फ टैंक बन रहे हैं यहाँ पे सारे ज़ायरीन के लिए। हटो हटो, अभी हम लोग ने यहाँ पे दाल चावल खाए हैं, तरस गए थे हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी दाल चावल खाने को, टेस्ट चखने को, कभी वो खाया है और चाय ख़त्म हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट या तो इंशाल्लाह 95 पे रुकेंगे नमाज के लिए, और नहीं तो फिर डायरेक्ट रुकेंगे 172 पे, पाकिस्तानी मौका है वहाँ पे हम लोग खाएंगे अपना पाकिस्तानी बिरयानी, बहुत लजीज बिरयानी होती है वहाँ की, हम लोग ने लास्ट ईयर खाई थी वो भूले नहीं है साल भर तक हम लोग। ये देखिए कैसे खिदमत होती है यहाँ पे ज़ायरीन हुसैन की।